ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, प्रभु की कृपा से आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म सुनते हैं। प्रभु श्री नारायण की कृपा से ये परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पूरे गीता का पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक की पूरी कथा को सुनने के लिए, पूरे भगवान के मुख से निकली हुई वाणी का श्रवण करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर अध्याय का महात्मा, उसके बाद कथा आप लोगों तक जिससे सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए हम पहले 16वें अध्याय के महात्म को जानते हैं कि गीता का 16वां अध्याय सुनने से क्या होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म आपसे बता रहा हूँ, सुनो। गुजरात में एक सौराष्ट्र नामक नगर है, वहाँ पर खंगबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था राजा खंगबाहु के, जो एकदम मदमस्त हो रखा था और मद बहाया करता था, सदा मद में उन्मत्त रहता था वह हाथी। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह अपने शांकलों को तोड़कर अपने लोहे के जो खंभे लगे हुए थे चारों तरफ, उसको तोड़कर बाहर निकल आया वह हाथी। जो वहाँ पर महावत रहते थे, उन्होंने दोनों ओर से अंकुश लेकर हाथी को डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करते हुए हाथी उनकी परवाह नहीं कर रहा था और उनसे डर भी नहीं रहा था। महावतों से उन महावतों की अवहेलना करके वह हाथी वहाँ पर अपने रहने के स्थान को, हाथी सार को गिरा दिया, ढहा दिया। उसके चारों ओर भालों से मार हो रही थी हाथी के, पर उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। हाथी बान भी डरे हुए थे, जितने महावत थे वो सब डरे हुए थे, हाथी को तनिक भी भय नहीं हो रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं ही हाथी को मनाने के कला में निपुण थे राजा, तो अपने राजकुमारों के साथ में वहाँ पर हाथी के पास में आए, और राजा आकर उन्होंने उस बलवान हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य अपने सभी काम धंधों को की चिंता छोड़कर अपने बालकों को हाथी से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस भयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब में नहा रहे थे, और नहाने के बाद वह ब्राह्मण देवता वहीं उसी मार्ग से लौटे जहां पर हाथी ये तोड़ फोड़ मचा रहा था। वे गीता के 16वें अध्याय का अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप करते हुए उसी मार्ग से जा रहे थे। सभी लोग उनको मना करने लगे, महात्मा ब्राह्मण जी को, कि उधर नहीं जाइए, उधर हाथी बहुत गुस्से में है। पर महात्मा जी उन सब की चिंता न करते हुए सभी लोगों के बहुत मना करने पर भी उसी मार्ग से गए जिधर वो हाथी क्रोध में सभी को तोड़ फोड़ कर रहा था। जब सब सोचे कि अब आज ब्राह्मण देवता को हाथी नहीं छोड़ेगा, पर ब्राह्मण देवता बिल्कुल हाथी का बिना डर किए हुए उधरी से निकले, जहाँ पर हाथी फुफकार से चारों दिशाओं को भय से व्याप्त कर रहा था, लोगों को कुचल रहा था जो उसके पास जा रहे थे। पर वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथी के पास पहुंचकर उसको छूते हैं, हाथी बिल्कुल शांत हो जाता है, और ब्राह्मण देवता कुशल पूर्वक निर्भयता के साथ वहाँ से आगे चले जाते हैं 16वें गीता के 16वें अध्याय को जपते हुए। इससे वहाँ राजा और देखने वाले जितने ग्रामवासी थे सबके मन में इतना ज़्यादा विस्मय हुआ कि जिसका वर्णन करना ही असंभव है। इस प्रकार से
भगवान शिव पार्वती जी को ये 16वें अध्याय के महात्म्य को सुना रहे हैं। राजा ने अपने नेत्रों से जब इस घटना को देखा, आश्चर्यचकित हो गया राजा और ब्राह्मण देवता के पास जाकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और ब्राह्मण देवता से राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किस प्रकार से किया, क्योंकि इस समय हाथी तो इतने गुस्से में था और जो उसको रोजाना भोजन कराते थे उन सबको भी वो मार रहा था, पर आपने ये कैसे कर दिया, आप उसको छूकर कैसे सकुशल लौट आए और आपको भय भी नहीं लगा। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप किस देवता का पूजन करते हैं या कोई आप मंत्र सिद्धि कर रखे हैं जिसके कारण आपने ऐसा कर लिया है, आप बताइए कि वह कौन सी सिद्धि है जिसके कारण आपने एक पशुओं को भी अपने वश में कर दिया, उसके क्रोध को शांत कर दिया, इतना ज़्यादा क्रोध में था, कौन सा मंत्र आपने उसको सुनाया है जिसके कारण से वह शांत हो गया, मतवाला हाथी का भी चित्त शांत हो गया, वही मंत्र मैं भी जानना चाहता हूँ। इस तरह के पूछे जाने पर ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप किया करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं जो तुमने देखी हैं, इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा को राजा ने छोड़कर ब्राह्मण देवता के साथ अपने महल में आए, ब्राह्मण देवता को बुलाकर और वहाँ पर शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा ब्राह्मण को देकर संतुष्ट किया, यज्ञ किया और उनसे गीता के ज्ञान का उपदेश लिया, गीता का श्रवण किया और गीता के 16वें अध्याय का अभयम आदि कुछ श्लोकों का स्वयं राजा बोलने का अभ्यास किया और उस अभ्यास के कर लेने के बाद राजा ने कुछ दिन तक गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का जाप करते करते जब राजा के मन से भय खत्म होने लगा, जब मंत्र जागृत हो गए, तो राजा ने एक दिन सैनिकों को बाहर बुलाया और राजा ने उनसे कहा कि उस मतवाले हाथी का बंधन खोल दो, मैं भी उसके पास जाकर देखूं क्या इन मंत्रों के प्रभाव से मुझे भय लगता है कि नहीं, मैं भी क्या निर्भय हो चुका हूँ। गीता के 16वें अध्याय के मंत्रों को सुनकर क्या मतवाला हाथी भी शांत चित वाला बन जाता है। राजा की आज्ञा पाकर जब महावत लोग गए, हाथी को छोड़ दिया और जैसे ही हाथी भयंकर चिघाड़ करते हुए बाहर आया, सब लोग भयभीत हो रखे थे और सोच रहे थे कि कहीं राजा को नुकसान न पहुंचा दे हाथी, पर जैसे ही राजा ने गीता के 16वें अध्याय के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया, जिसका श्रवण हाथी के कानों में जैसे पड़ा, वैसे ही हाथी बिल्कुल ही शांत चित होता चला गया और राजा उसके पास जाकर और उस मतवाले हाथी को छूकर वहां से बिल्कुल ही अभय मुद्रा में वापस आ गए। इसको देखकर वहां के समस्त जितने भी ग्रामवासी थे और हाथी की रक्षा करने वाले महावत थे, वो सब आश्चर्यचकित थे, जिस पर राजा ने स्वयं कहा कि ये मेरा कोई भी प्रताप नहीं है, यह गीता के 16वें अध्याय का महात्म है। राजा को जब गीता के महात्म का पता चला तो राजा उसी समय अपने राजकुमारों को बुलाकर राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का नित्य प्रतिपाठ करने लगा और पाठ करते करते अपने मोक्ष को, परम गति को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से प्रिय श्रोतागणों, 16वें अध्याय का महात्म्य भगवान शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया है, वही आज महात्म्य आप लोगों को मैंने सुनाया है। प्रभु की कृपा से आप लोग सदैव स्वस्थ रहें,
खुश रहें, प्रभु की कृपा सदैव प्राप्त होती रहे। 16वें अध्याय का ज्ञान जो अर्जुन को नारायण कृष्ण ने दिया है, वही कथा हम अगले वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगा। उस कथा को सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।